एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट टू कवर अबाउट द लेबल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन शब्द का मतलब होता है रोकथाम। बीमारी को दो तरीके से रोका जा सकता है, एक होता है कि रोकथाम करना, दूसरा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, जब बीमारी फुल ब्लोन हो जाए तो उसका इलाज करना। सो प्रिवेंशन वर्ड का मतलब है रोकथाम, होने से पहले बीमारी को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देर आर सेवरल फोर लेबल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। चार तरीके के होते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन शब्द का मतलब होता है कि एक्शन टेकन टू रिमूव इवन द रिस्क फैक्टर टू डेवलप, जो किसी भी बीमारी का रिस्क फैक्टर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लें ओबेसिटी, जिन बच्चों में चाइल्डहुड में ओबेसिटी होती है, ऐसे बच्चे एडल्टहुड में क्रॉनिक डिजीज़ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मेलाइटिस, इन सब के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो अगर चाइल्डहुड में वेरियस इंटरवेंशंस के थ्रू हम ओबेसिटी को होने से रोकें, चाइल्डहुड ओबेसिटी का प्रेवलेंस कम करें, तो एडल्ट और एडोलोसेंट पॉपुलेशन में ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या क्रॉनिक डिजीज़ का प्रेवलेंस कम हो जाएगा। इस तरीके का प्रिवेंशन प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। इंटरवेंशन शब्द का मतलब होता है वेरियस मेथड्स और स्ट्रेटजीज जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन को प्रिवेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंटरवीन या इंटरवेंशन हम करते हैं, वो मेथड्स और स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन कहलाते हैं। जैसे कि रिस्क फैक्टर ओबेसिटी को चाइल्डहुड पॉपुलेशन में डेवलप होने से रोकने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन हो जाएंगे इन प्राइमोडियल प्रिवेंशन। सो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब प्रिवेंशन ऑफ एक्शन टेकन टू रिमूव इवन द रिस्क फैक्टर टू डेवलप, रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से रोकना किसी भी बीमारी के। और इंटरवेंशन क्या हो जाएंगे ड्यूरिंग प्राइमोडियल प्रिवेंशन करने के लिए इंटरवेंशन, हेल्थ एजुकेशन हो सकता है, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो सकता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है, डेली रेगुलर एक्सरसाइज हो सकता है। दीज आर द वेरियस इंटरवेंशन दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। दूसरी चीज़ आती है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑल मेजर्स अंडरटेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज़ के होने से पहले, सो दैट द डिजीज़ नेवर अकर। डिजीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है डिजीज़, जैसे कि हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में देखा, डिजीज़ दो स्टेजेस में होती है, प्री पैथोजेनिक फेज एंड पैथोजेनिक फेजेस। प्री पैथोजेनिक फेजेस में, अर्ली स्टेजेस में, जब एजेंट होस्ट का एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंटरेक्शन, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड एजेंट होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मिलकर बनता है, इनके इंटरेक्शन प्ले करते हैं और उसके बाद डिजीज़ के लिए होने के लिए बैकग्राउंड सेट होता है उस स्टेज में, जबकि डिजीज़ डेवलप नहीं होगी, कोई भी इंटरवेंशन हम करेंगे तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन के इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं इसमें, मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में उसी बैक्टीरिया या वायरस के सब क्लिनिकल डोज जो कि इम्यूनोजेनिक है लेकिन पैथोजेनिक नहीं है, पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं कॉज करा सकते हैं बट इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए जिसके लिए वैक्सीन दिया गया है, ठीक है। सो इट कुड बी द मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, वैक्सीनेशन इज अ मोड ऑफ इंटरवेंशन इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। इट वुड कम अंडर द हेडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वी आर गिविंग द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन इन्फेक्शन। जैसे सिक्स किलिंग डिजीज के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देते वैक्सीनेशन देते हैं। द फंडा बिहाइंड गिविंग द वैक्सीनेशन इज द सब ऑप्टिमल सब क्लिनिकल डोजेज ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड वायरस, सो दैट द वो जो अटेन्यूएटेड डोजेज ऑफ दोज बैक्टीरिया वायरसेस दे कैन नॉट कॉज द डिजीज बट इम्यूनोजेनेसिटी पैदा करने लायक पोटेंशियल उनमें होता है, पैथोजेनिसिटी या डिजीज कॉज नहीं करा सकते। दूसरा एग्जांपल है सन गॉगल्स और हेलमेट टू प्रिवेंट द हेलमेट यूज ऑफ हेलमेट टू प्रिवेंट द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड सन गॉगल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द धूप, या फिर डर्ट को पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स में डर्ट के प्रोटेक्शन के लिए चश्मे यूज करना, ये सारा प्राइमरी प्रिवेंशन। ये हम किसी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए नहीं, जबकि डिजीज़ का एनवायरनमेंट प्रिवेंट करने के लिए कि डिजीज़ ना हो उसके लिए प्रिवेंशन लेते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के एग्जांपल में आएगा। अब चश्मे से ही है कि जो मायोपिया डिजीज़ कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव एरर डिजीज़ कंडीशन है, अगर उसके लिए हम चश्मा बना रहे हैं बच्चों के लिए,
तो इट्स कम्स अंडर द सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि हमने मायोपिया अर्ली चाइल्डहुड में आइडेंटिफाई किया और उसके लिए चश्मे दिए, ठीक है, देन इट इज़ अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आ जाएगा। और वही अगर एल्डरली एज ग्रुप में या फिर मायोपिया एक लेवल तक इरिवर्सिबल स्टेज में अगर रिफ्रैक्टिव एरर सेट हो गई है, उसके बाद फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर की डिजीज में प्रोग्रेशन ना हो, उसके लिए अगर हम चश्मे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सपोज एट द एज ऑफ 20s and 25 की, सो दैट द फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द विजन डज नॉट टेक प्लेस, तो टर्सरी प्रिवेंशन में आ जाएगा क्योंकि वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। एंड डिसेबिलिटी जितनी हो चुकी है, जितना रिफ्रैक्टिव एरर सेट हो गया, उसको लिमिट कर रहे हैं कि आगे प्रोग्रेस ना हो। सो चश्मे प्रोवाइड करना मायोपिया के लिए इन द चाइल्डहुड पॉपुलेशन वुड बी इन द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एडवांस स्टेज पे अगर हम डिसेबिलिटी और लिमिट करने के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए कर रहे हैं, तो इट वुड बी इन द टर्शियरी प्रिवेंशन। और सन ग्लासेस यूज़ करना जो कि धूप और डर्ट के प्रोटेक्शन के लिए इज़ द प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन। तीनों ही चश्मों के एग्जाम्पल हैं बट तीनों ही डिफरेंट हैं। थर्ड आता है प्रिवेंशन में सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। डिजीज़ को अर्ली पैथोजेनिक डिजीज़ को पैथोजेनिक स्टेज में, जबकि डिजीज़ हो गई है बट जितना जल्दी हो सके उसके साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट बिगिन कर दें, तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट या सेकेंडरी प्रिवेंशन, वो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन हो जाएगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और टाइप ऑफ प्रिवेंशन हो जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इससे क्या होगा कि जो उसके फेवरेबल आउटकम, देर आर सेवरल आउटकम ऑफ अ डिजीज, हम नेचुरल ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिजीज में देखते हैं, देर आर सेवरल आउटकम ऑफ द डिजीज लेट पैथोजेनिक स्टेजेस में, दे कैन बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आउटकम डिसेबिलिटी एंड फर्दर डिटेरियरेशन ऑफ द हेल्थ, इवन द मोस्ट एडवर्स आउटकम इज डेथ, मॉर्टेलिटी। सो वेरियस रेंज ऑफ द मॉर्बिडिटीज एंड मॉर्टेलिटीज, दीज आर द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम, एंड मोस्ट फेवरेबल आउटकम इज द रिकवरी। सो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके, सेकेंडरी प्रिवेंशन करके हम क्या कर सकते हैं, फेवरेबल आउटकम के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। जितनी जल्दी हम डिजीज़ को पकड़ पाएंगे उतनी जल्दी इसको ट्रीट, एक तो डिजीज़ का कोर्स शॉर्ट कर सकते हैं, दूसरा डिजीज़ का ट्रीटमेंट आसान है और जल्दी रिस्पॉन्स के चांसेस, गुड रिस्पॉन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्शन इज एक्शन टेकन टू हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ एट इट्स इंसिपिएंट और अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट द फर्दर कॉम्प्लिकेशन, जो एडवर्स आउटकम है उनको प्रिवेंट करने के लिए। और तीसरे नंबर का चौथा प्रिवेंशन है टर्शियरी प्रिवेंशन। ऑल द मीज़ आर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट द इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू द इररेमेडियल कंडीशंस। तो जब हम प्रिवेंशन ऐसे स्टेज पे कि एक परमानेंट लेवल ऑफ डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट सेट हो गया है, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि डिसेबिलिटी की वजह से जो फंक्शन नहीं कर, सपोज डिसेबिलिटी इज़ द लॉस ऑफ एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल लॉस और फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, सपोज एक्सीडेंट में टांग टूट जाती है या पैर का फुट लॉस हो जाता है, तो उसके कारण चल ना पाना या उससे एसोसिएटेड जो भी काम है वो ना कर पाना, वो डिसेबिलिटी कहलाएगी। एंड इम्पेयरमेंट वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा, एंड डिसेबिलिटी इज़ द लॉस ऑफ फुट, और इम्पेयरमेंट इज़ द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट अराइजेज आउट ऑफ डिसेबिलिटी इज़ द इम्पेयरमेंट। सो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रिवेंशन यूज़ करते हैं वो टर्शियरी प्रिवेंशन है। उसमें इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन शब्द का मतलब होता है वी कैन रेस्टोर द मैक्सिमम पॉसिबल बेटर आउटकम ऑफ द लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आइदर टू सोशल रिहेबिलिटेशन मैथड, आइदर टू वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मतलब उसे ऐसा जॉब दिलाना कि वो उस डिसेबिलिटी के साथ उस जॉब को कंटिन्यू कर सके। सपोज फुट लॉस हुआ तो हाथ की मशीन चलाना सिखाना या कुछ ऐसा काम जो फुट के बिना किया जा सकता है, तो वो अपनी जीविका कमा सके। सो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन कि उसको लाइवलीहुड कमाने लायक बनाना, अपनी ज़िंदगी चलाने लायक बनाना, और सोशल रिहेबिलिटेशन उसी का आउटकम है कि उसमें सोसाइटी में एडजस्ट करने में उसको मदद मिले। सो व्हाट रिहैबिलिटेशन वर्ड इटसेल्फ मींस कि रेस्टोरेशन ऑफ द लाइफ डिसेबिलिटी
और इम्पेयरमेंट को वहाँ तक लेवल तक रेस्टोर कर जो मैक्सिमम पॉसिबल गुड लाइफ वो जी सके, इज द रिहैबिलिटेशन। जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं, व्हेन द डिफेक्ट और डिसेबिलिटी इज ऑलरेडी अकर्ड एंड इरिवर्सिबल फेज पे है, केवल हम रेस्टोर कर सकते हैं मेन फंक्शन एज मच पॉसिबल एज टू लिव अ गुड उस स्टेटस पे बेटर लाइफ जीने के लिए। मेडिकल रिहेबिलिटेशन थ्रू दवाइयाँ, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन उसको ऑक्यूपेशन ऐसा दिला के कि वो अपनी जीविका कमा सके। सोशल रिहेबिलिटेशन थ्रू रिक्रिएशन सेंटर एंड सोसाइटी में उसे एडजस्ट करा के। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल थ्रू वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और साइकोसोशल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं।